मोहम्मद मंजर। मोहम्मद जी, अच्छा मोहम्मद जी किस लिए आज आना हुआ या यहीं पे रहते हैं? हाँ इधर ही काम करते हैं है? काम करते हैं यहीं पे ही करते हैं जी। अच्छा सही चल रहा है, खाना पीना रोटी मकान सब कुछ सही है? सब सही है, सब सही है। वो कह रहे हैं बेरोजगारी हो रही है, महंगाई हो रही है। अरे करेगा जब ही, तो नहीं करेगा तो कहाँ से मिलेगा। अच्छा। मुंह में भी डालता है तो हाथ को उठा के मुंह में डालेंगे जब ही जाएगा खाना। जी, जी। अच्छा ये जो मोदी सरकार है सही लग रही है या कांग्रेस को बदलाव चाहते हैं या किसी और पार्टी को चाहते हैं? अरे सब सही है, कोई भी नेता बनेगा तो मेहनत करना ही पड़ेगा। थोड़ी मेरे जेब में वो पैसा दे देगा, हम मेहनत करेंगे जब ही तो होगा जी। हम मेहनत नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा। हाँ, तो ये जो बड़े बड़े मुद्दे उठा रहे हैं बेरोजगारी को लेकर महंगाई को लेकर, ये सब फेल है कुछ नहीं है? ये जिंदगी भर का खेल है। हाँ। जितने भी नेता वो नेता बनेगा तो इसमें भी वो फंड आला डालेगा, ये नेता ठीक नहीं है। हाँ। वो नेता ठीक नहीं है जी। जो मोदी कर दिया ना कोई नेता नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर। क्या कर दिया भाई साहब? करा है ना उसने, बताइए तो क्या। पूरा देश से लेकर विदेश तक उसका नाम चल रहा है। अच्छा, और उससे बेसिक को कोई नेता का नाम ही नहीं चला। अच्छा, कांग्रेस के राहुल गांधी भी हैं, वो भी भारत जोड़ो निकाले हैं, वो भी लगातार जो है बढ़ रहे हैं आगे, जन सैलाब उनकी पास उमड़ रहा है, उस उनको नहीं देखेंगे आप? भारत टूटा कब था? भारत तो जुटा हुआ है। भारत टूटा कहाँ? भारत तो जुटा हुआ है। बात कर रहे हैं चाचा? चाचा जी क्या बात कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम में इतना विवाद हो रहा है, इतना लड़ाई हो रहा है, इतना मारपीट काट पीट हो रहा, कह रहा टूटा कहाँ था? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, ठीक है। इस धरती पे हिंदू भी रहेगा, इस धरती पे मुसलमान भी रहेगा, और हम तो है ही है भाई भाई, मगर ये नेता लोग कहाँ मान रहे हैं भाई भाई? नेता अपना वो इलेक्शन जीतने के लिए सोच रहे हैं ना अपना। जब आप भाई भाई हैं तो नेताओं की बात क्यों सुनते हो भाई साहब, क्यों मानते हो उनकी बात? सर एक बार बात बताइए, एक बार बताइए, हिंदू तरफ जाके आप मुसलमान भाई की बुराई कर रहे हैं, मुसलमान भाई की तरफ आके आप हिंदू भाई की बुराई कर रहे हैं, तो इसमें आपस में मारपीट काटपीट नहीं होगा तो क्या होगा? क्या कर रहा है बुराई करने वाले? कर ही रहे हैं। अच्छा बताइए तो कौन कौन कर रहा है? अब नाम बताने ट्रॉली वो बदल जाएंगे सर। अच्छा आप खुद इसमें बोल रहे? अच्छा हाँ जी भाई साहब, वो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान को अलग अलग कर रहे हैं, उनमें वो झगड़े करवा रहे हैं, वो अभी तो है। हाँ। नेते करवा रहे हैं इलेक्शन जीतने। झगड़ा कहाँ पर हुआ अभी तक? क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम लेखराज हुआ। कहाँ पर झगड़ा हुआ भाई? कितने दंगे हुए वो हिंदू मुस्लिम भाइयों में? मैं पूछ, हम यही खड़े हैं। कहाँ हुआ? आठ से चार साल पहले पीछे जाइए, यही मौजपुर में मार्केट के ऊपर चल के उसका गुम्बद तोड़ा जा रहा था, उसका माँ खींच के फेंके जा रहा। क्या यहाँ के हिंदू थे? नहीं थे, सारे बाहर से आए हुए थे। भैया ये थोड़ा थूक के आएंगे तो मेरी समझ में बेटर आएगा, क्योंकि मुझे ना थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि कह क्या रहे हैं आप, थोड़ा सा थूक के आ जाइए। हाँ जी आप बताइए, आपको लग रहा है ऐसा कुछ? ऐसा कहीं भी माहौल नहीं है। मैं मुरादाबाद भी गया था अभी, वहाँ के भी मुसलमानों से मिला हूँ मैं, जो किसी ने नहीं कहा कि हाँ हिंदू मुस्लिम में राइट हो रही है। नेताओं की अपनी बयान है, जो कुछ भी करना है, लेकिन दंगा कहीं भी नहीं हुई है। कहीं भी नहीं हुआ? नहीं कहीं भी नहीं। बात करें जिस तरीके से अभी कांग्रेस पार्टी जो है वो धरने प्रदर्शन कर रही है अड़ानी को लेकर, कह रही है अड़ानी और अंबानी और ये मिक्स सरकार है भाजपा के साथ मिली हुई जुली, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनके साथ में जो देश को लूटकर उनकी जेब भर रहे हैं, ऐसा लग रहा है? ऐसा कहाँ लग रहा है, जब उन लोग को फंड देगी अपना अंडानी ग्रुप तो अच्छा है, और नहीं दे रहा तो अंडानी खराब है। अच्छा। बीजेपी की है ये, कहाँ की है? बिजनेसमैन हर किसी का सपोर्ट करता है, वो लोग हर जगह चंदा मांगने आता है। बिना चंदा रहे बीजेपी सरकार उनको बना रही है अमीर, नहीं तो अमीर नहीं बन बना रही है। जिसके पास जो फंड है वो ठीका ले रहा है। अगर आपके पास पैसा है तो यहाँ के ठीका लीजिए, नहीं पैसा तो जाइए घर। अंडानी के पास रुपया है तो ठीका ले रहा है, इसमें गलती क्या है? आज हम गरीब हैं तो हमारी ठीका कहाँ से मिलेगी? सरकार तो कह रही है कि हम ठीका देंगे रोड के टेंडर, उसके लिए तो पैसे। इतनी ग्रोथ कैसे कर सकता है कोई? ग्रोथ के लिए जल्दी अमीर को कैसे बन सकता है? उसके पास बैंक के सामने उसका रीजन है और स्ट्रॉन्ग पे है, बैंक के नजर में अच्छा है, बैंक कर्जा दे रही है। एसबीआई बैंक से लेकर अभी न्यूज में दिखा रहे हैं आज तक में कि 21,000 करोड़ सिर्फ एसबीआई से है। बैंक ने कर्जा देकर उसको आगे बढ़ाया ना, हम उस लायक नहीं बन रहे हैं। हम तो बैंक में जाते हैं समय भी नहीं देते, बैंक हमसे कहाँ से लोन देगी? कह रहे हैं कि भाई साहब अड़ानी को आपत्ति है कुछ? आपको अड़ानी के ऊपर कुछ आपत्ति है जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार उनको घेरती नजर आ रही है? ऐसा है सर, मैं क्या बोलूं, 1962 में गरीब था वो, मेहनत करके उतना पहुंचा कि हम क्यों नहीं बढ़ सकते हैं? हम भी उसे ग्रोथ बनाएंगे, हम भी बैंक के सामने अपना पेश करेंगे बढ़िया। आपको भी कह देंगे कि भाजपा वालों ने उठाया इसे? कैसे कह देगा, जो मेरे साथ मेहनत किया वो तो कहेगा ना कि नहीं गरीबी से उठा है,
जैसे आज गौतम अंडानी अपने बल पर है, आज तो कुछ समय पहले धीरू भाई अंबानी उठे थे, लेकिन आज भी नाम दुनिया में धीरू भाई अंबानी के है, अनिल अंबानी है, मुकेश अंबानी के नहीं है। जी, जी। कि इसमें धीरू भाई अंबानी ने जो मेहनत किया उसका परिणाम है। गौतम अंडानी को कौन, गौतम अंडानी उनका बेटा को कौन जानता है? कोई नहीं जानता है। इसमें अंबानी पूरा इंडिया में फेमस है, उसको कोई नहीं जानता। जियो का फोन जला दिया, जियो का रिम जला दिया, तो नहीं है, इसीलिए तो केजरीवाल देश बिक जाएगा। श्रीलंका की तरह नई दिवालिया घोषित हो गया ना, तो उसी के है परिणाम। अंडानी ग्रुप का कलंक, अगर अगर आराम से जिंदगी जीते तो किसी भी बिजनेसमैन जो भी यहाँ पर है चांदनी चौक में बिजनेसमैन, वो किसी के नहीं है। अगर आप चंदा मांगने गए तो आपके साथ बैठेंगे, आप उसको सरकार के साथ जोड़ना, लगातार इस तरीके की बात करना कि ये तो अंबानी और अडानी की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी नहीं चला रहे हैं। अगर कल आप भी अमीर बन जाओगे ना, तो कल आपको भी नाम उठा देगा विपक्ष वाला, उसके कोई मुद्दे नहीं है। मैं तो मुद्दा के लिए साहब, ऐसे ही होता है क्या? अब जो बोल रहे हैं भाई साहब, शायद इनका मुद्दा वही हो। चलिए इनसे पूछ लेते, क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम तहलील है सर। सर जी, बात इतनी है ना कि मतलब जब पूरे मुल्क का पैसा एक जगह फंसेगा ना, तो जो आम जनता है ना उसका एक डर बना रहता है कि अगर स्कैम निकला, अदानी का कुछ प्रॉब्लम हुआ, इकोनॉमी तो टूट जाएगी, महंगाई जितनी अभी है, कम है, ज़्यादा है, इससे और बढ़ जाएगी। मेरा भाई अगर अभी दो रोटी खा रहा है, कल शायद इसको एक ही रोटी खानी पड़ी। मसला ये है कि हमें देखना है अगर स्कैम है क्या नहीं है, वो जाँच करे, गवर्नमेंट जाँच करे, अगर ऐसा हो निकाल दे अभी अभी, कहते हैं अर्ली प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, अगर कुछ ऐसा है तो हो सकता है कुछ बाद में। जैसे यहाँ पर नीरव मोदी का हो गया, माल्या का हुआ, पैसा उठाकर सब भागे विदेश चले गए, यहाँ क्या हुआ? महंगाई बढ़ गई। इसमें राजनीति करना एक जुडिशरी का एक काम होता है, वो न्याय करती है, उस पर इधर से भी एक वकील होता है, उधर से भी होता है, वो जुडिशरी का काम होता है। लेकिन इस पर राजनीति करना, धरने प्रदर्शन करना, लोगों का माइंड वॉश करना, उस पर क्या करें? जी राजनीति तो हर किसी को करनी है, वो भाजपा हो वो कांग्रेस हो, कांग्रेस को भी राजनीति करनी है, भाजपा को भी राजनीति करनी है। अब कांग्रेस अभी इस मुद्दे को पकड़ के, कल बात होगी कांग्रेस किसी और मुद्दे को पकड़ेगा, ये वो बात नहीं है। राजनीति कांग्रेस भी करेगी, भाजपा भी करेगी, दोनों सरकारें झूठी है, मैं आपको बता रहा हूँ, ना भाजपा सही है ना कांग्रेस सही है। तो कौन सी सही लगी फिर आप? कोई भी नहीं, अभी सरकार में कोई ऐसा नहीं है कि जो कल को उठे, कोई ऐसा नाम आए जो उठे, जो कहे कि मैं बदलाव ला सकता हूँ। भाजपा की सरकार अच्छी है गंदी है वो मैं नहीं बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं भाजपा की भी सरकार अच्छी है, कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार भी गलत है, खराब है। कांग्रेस का कहाँ कहाँ आपको एक दो चीज बताइए जो सही लगी और खराब लगी हो। सर खराब इस चीज में लगी कि महंगाई बहुत बढ़ गई, और जो मतलब हिंदू मुसलमान का थोड़ा एक शक की नजर से एक दूसरे को देखने लगे। कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, वो कह रहे हैं कि अगर मकान योजना जो उनकी आई थी आवास योजना, उसमें उन्होंने मुस्लिमों को ज्यादा मकान दिए हैं, वो कह रहे हैं पसमंदा मुसलमान जो है उनको एकजुट कीजिए, वो हमारे भाई हैं, तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि वो जो है हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? सर क्योंकि जो हम उनसे पूछते हैं तो वही यही कहते हैं कि भाई साहब हम तो साथ में जोड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं तोड़ रहे हैं। सर अपने काम अपनी अच्छाइयां सब गिनाता है, लेकिन जो बुराइयां होती हैं ना वो हर कोई पीछे दबा कर रखता है कि सामने ना आए। बात ये होती है कि मतलब अगर हम देखें कुछ सालों से, हम ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, हम कुछ जब से 2014 से अगर हम देखें, आप खुद इतिहास उठा कर देख लीजिए अभी तक कितना फ़र्क पड़ा है। एक मुसलमान एक हिंदू भाई को शक की नज़र से देखता है, एक हिंदू भाई एक मुसलमान को शक की नज़र। मेरा मतलब बस यही है, महंगाई बढ़ी नहीं बढ़ी ये अलग बात है, पहले अगर हमारे दिल जुड़ जाए ना हमारा देश बहुत आगे चला जाएगा। तो इसमें तो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, चाहे वो मुस्लिम नेता हो चाहे वो हिंदू नेता हो, असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो भी लगातार भड़काऊ भाषण देते हैं, उनके बारे में क्या कहना होगा? सर सबकी राजनीति है सर, सबकी एक, मैं आपको कह रहा हूँ एक पॉलिटिशियन अभी ढंग का नहीं है सर, एक भी पॉलिटिशियन ढंग का नहीं है। अब कहीं पर असदुद्दीन ओवैसी का उधर चल रहा है हैदराबाद में, वो भी टांग घुसा रहे सेंट्रल की तरफ, ये हर जगह चलता है सर, हर जगह कोई अपनी कुर्सी बचाना चाहता है। जिस दिन किसी को सच में इस देश की परवाह होगी ना, देश के लोगों की परवाह होगी ना सर, यहाँ की बात ही कुछ और है, कुछ और ही बात होगी। अच्छा, सर आप युवा हैं, आपके हिसाब से अगर बात करें तो क्या करना चाहिए जिससे सरकार जो है वो बेटर चल पाए और जो करने का है सरकार का वो सही से करे, क्या कहना हो? सर सही से करना, सर देखिए मैं तो स्टूडेंट हूँ, ये ब्यूरोक्रेसी क्या है, ये पॉलिटिक्स क्या है, मेरी उतनी अभी समझ नहीं है। जी, जी, मैं उतना बड़ा नहीं हूँ सर, मेरी उतनी समझ नहीं है कि क्या करना चाहिए। महंगाई और बेरोजगारी आपको लगातार लग रही है? महंगाई सर, महंगाई भी छोड़ दीजिए, बेरोजगारी, एजुकेशन में सर अभी हम पीछे पीछे चल रहे हैं।
वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आती है उसमें भी हम पीछे पीछे आ रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट आ रही है उसमें भी हम पीछे पीछे आ रहे हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए सर। हमारा देश सर आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं चाहिए। हॉकी लिए खड़े हैं भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? सादिक। सादिक जी, सादिक जी क्या लग रहा है आपको, 2024 नज़दीक है, विगुल पार्टियाँ जो है वो बजा चुकी हैं चुनाव का, आपको क्या लग रहा है कौन सी पार्टी अच्छी है जो काम करेगी और कर रही है अभी? जी मुझे तो कांग्रेस बढ़िया लग रही है। कांग्रेस बढ़िया लगती है? अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा बढ़िया लगी? बिल्कुल भी सही नहीं लगी। भारत जोड़ो यात्रा नहीं लगी सही, तो फिर कैसे कांग्रेस बढ़िया हो गई? कांग्रेस बढ़िया, वो ये आपस में लड़ाई करवाती है, भाजपा करा रही है, कांग्रेस नहीं कराती? कांग्रेस नहीं करवाती। क्यों, ऐसा कहाँ लगा आपको? कितनी जगह लगा है बताइए, एक दो जगह बताइए। नहीं पता, फिर इसका मतलब नहीं होता ऐसा कुछ। हाँ चलिए इनसे पूछ लेते हैं, क्या लग रहा है 2024 का विगुल बजा दिया है, उधर कार्यकारिणी बैठक कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी ने भी बोल दिया है कि सभी को एकजुट करो, पसमंदा मुसलमानों को भी स्पेशल उन्होंने बोला है, तो क्या लग रहा है आपको 2024 में आखिरकार क्या दंगल होने वाला है? कांग्रेस पार्टी जो है वो भी भारत जोड़ो यात्रा निकाल चुकी है और उधर नरेंद्र मोदी जी ने भी विगुल बजा दिया है, तो क्या लग रहा है कुछ बन पाएगा सिस्टम कांग्रेस का? हाँ स्वाभाविक है, एक्चुअल में कांग्रेस की आइडियोलॉजी और बीजेपी की आइडियोलॉजी में एक बहुत डिफरेंस है जी। भारत की खासियत रही है डाइवर्सिटी रही है, बहुत विविधता है भारत के अंदर, तो हर एक पार्टी का एक अपना विजन होता है। भाजपा का जो विजन है वो कहता है कि एक धर्म ही श्रेष्ठ है, दूसरे तो कुछ भी नहीं है। कांग्रेस कहती है कि सब हम बराबर हैं। कब बोला उन्होंने? वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। अब फाइनेंस मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी हेट स्पीच देते हैं, अमित शाह जी के ऊपर चार्जेस किस बात के हैं? आपको गुजरात के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उनको तड़ीपार घोषित किया था, घोषित किया था। अच्छा चलिए चार्जेस आपके ख़त्म हो गए, मान लिया हमने बात। ज़्यादातर जितने भी दंगे के मामले रहे हैं या जो भी मामले रहे हैं ये आरोप लगते रहे हैं बीजेपी पर। पार्टी कहती है कि जी हम तो सही है, हम कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पर हैं, तो आप कहते हो नहीं जी सब सब साथ हैं, लेकिन जो ग्राउंड लेवल आप जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक 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 समाज के प्रति भावना, हीन भावना रहती है, वो गलत है। अच्छा। ये मेरा मानना है, हो सकता है सबके लिए ना हो, मेरा अपना मानना है। अच्छा, विकास की अगर बात कर ले, कांग्रेस भी रही है भाजपा भी रही है, विकास किसका बेटर लगा है? नहीं विकास तो विकास के पैमाने अलग अलग होते हैं। अब आप क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है उसको आप विकास मानते हैं, वो अलग चीज़ होता है। ग्राउंड लेवल पर किसी के जीवन में कितनी उन्नति होती है वो एक अलग विषय होता है। तो ज़्यादातर के पैमाने अभी 10 साल का शासन मुश्किल होने जा रहा है अगले साल बीजेपी का, और उसको तुलना आप किसी के 60 या 70 साल से कंपेरिजन करेंगे तो बहुत ज़्यादा ठीक नहीं होगा मुझे लगता है जी। तो 70 साल तो बहुत थे ना विकास करने के लिए, क्या क्या विकास आपको लगा, क्या क्या विकास का पैमाना आप क्या समझते हैं? विकास के बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। आप क्या है, आपने एक तराजू पर चीजों को कर दिया, कई पैरामीटर, किस पैरामीटर पर आप, पैरामीटर तो बताइए किस पैरामीटर पर बात कर रहे हैं आप? पैरामीटर बहुत सारे हैं, कौन से पैरामीटर आप बात कर रहे हैं? विकास की अगर बात करें, जैसे महंगाई बेरोजगारी को लेकर लगातार मुद्दे उठते हैं, अब अडानी को ऊपर लेकर कांग्रेस पार्टी जो है वो धरने प्रदर्शन कर रही है, वो कह रही है कि अगर हमारे देश का कोई उद्योगपति उठता है उसकी अच्छी ग्रोथ होती है तो उसमें कोई दिक्कत है हमारे देशवासियों? देखिए जो अडानी पर आरोप लगाया है एक कंपनी ने लगाया है, कंपनी ने कई कंपनियों पर लगाया था पहले भी, तो अब उसके जो आरोप हैं उस आरोपों को अगर लगता है कि अडानी सही है अपनी जगह तो उसको डिफेंड करे कोर्ट में, उसने तो चैलेंज किया है कि भाई आप आकर मेरे ऊपर आप डिफेंशन करिए। लगातार कांग्रेस जो धरना प्रदर्शन कर रही है और वो एलआईसी को घेर रही है, वो एसबीआई के आगे धरना प्रदर्शन करती नजर आ रही है, स्वाभाविक है। पॉलिटिकल वो तो एक पॉलिटिकल इश्यूज हैं, अपोजिशन का काम ही ये होता है आप गवर्नमेंट की जो कमी है उसको जा करना, तो गलत क्या है भाई? आप गवर्नमेंट में हो, आप गलत कर रहे हो, हम आपको डिफेंड करेंगे भाई आप गलत कर रहे हो। अब वो गलत है सही है ये तो अगर मान लीजिए गवर्नमेंट को लगता है कि भाई ये गलत सही है मैं ठीक कर रहा हूँ तो उसका जुडिशियल प्रोसेस है, आप जुडिशियल जाइए राइट। तो आप नहीं, वो एक तरफा ऐसे घेरा जा रहा है ना कि जो अडानी जो हैं वो मोदी जी के मित्र हैं और वो उनके साथ सरकार चला रहे हैं, वो लोग कहते हैं कि कांग्रेस वाले या और भी पार्टियां हैं कि अडानी अंबानी की सरकार है और ये भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं है। ठीक है लगता है। हाँ एकदम देखिए कभी भी किसी भी बिजनेसमैन की जो ग्रोथ होती है उसको जरूरत सरकार से होती है, अपेक्षाएं होती हैं और गवर्नमेंट उनको मदद भी करती है, तो ये इसमें कुछ नया क्या है? कुछ नया है ही नहीं, ये तो होता ही है, प्रोसेस है। भाई मैं एक कंपनी का ऑनर हूं, मुझे अगर कहीं कुछ भी प्रोसेस में जाना है, हम तो रजिस्टर्ड ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से,
पहले टाटा बिरला जो है वो बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे थे जब कांग्रेस की सरकार थी, तो इसका मतलब कांग्रेस भी करती थी ऐसा। बहुत इम्पोर्टेंट होता है ट्रांसपेरेंसी, बहुत इम्पोर्टेंट होता है ट्रांसपेरेंसी। आप कितने ट्रांसपेरेंट हैं, ट्रांसपेरेंसी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप किसी कंपनी में या किसी चीज पर है, अगर आप ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते, आप पर आरोप लगते हैं, तो आप उसको आप जवाब दीजिए ना, आरोपों का जवाब दीजिए।